राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक ने कहा है कि यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जबकि बीजेपी दो तिहाई सीटें भी नहीं जीत पाएगी। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा बयान है। श्याम रजक से बात की हमारे संवाददाता अजय लाल ने। देश सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या कुछ सीन आप दिखाई पड़ रहा है? देखिए, वहाँ की जनता ने फैसला ले चुका है। हम क्वार्टर फाइनल जीत गए बंगाल में, सेमीफाइनल जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, और फाइनल दिल्ली में साबित हो जाएगा। इन लोगों के जाने के लिए तैयारी कर दी है यूपी की जनता ने। यूपी में इनको कितनी स्थिति रहेगी, दो में भी नहीं जुटेंगे इनके, दो से तीन भी नहीं होंगे, और हम 300 से ज़्यादा सीटों पर वहाँ समाजवादी पार्टी, जो हमारे विचारों से मेल खाती है, राष्ट्रीय जनता दल ने जिसका समर्थन किया, वो जीतेगी। इनके पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, विकास इनके लिए नहीं है, देश का संविधान नहीं है, सब कुछ इनको अपना है बस। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से महागठबंधन बनना चाहिए था, सपा का, कांग्रेस का, बसपा का, उसमें कहीं कोई कमी रह गई? कोई कमी नहीं है, सब लोग लड़ रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी, वहाँ अखिलेश जी के नेतृत्व में सभी पार्टी जो हैं समाजवादी विचारधारा के एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये थे श्याम रजक, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लेकर साफ शब्दों में कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बहुमत मिलेगा और वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का ऊंट किस करवत बैठता है। क्रमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।